सेवन देखिए क्या कह रहा है। एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदे हैं। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। पहली गेंद दूसरे गेंद से निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। अच्छा, मतलब कि उसको वापस नहीं रखना है, ठीक है ना जी, है ना, बिना प्रतिस्थापित किए यहाँ पे बात हो रही है। कह रहा ना कि एक के बाद एक गेंद निकाल जाती है, तो पहला गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद के निकालना सम संभाव्य है। अच्छा, सम संभाव्य घटना ये कह रहा है, तो दोनों गेंद काले रंग के निकलने की क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए यहाँ पे देखिए, काली गेंदों की संख्या कितनी दी हुई है? काली गेंदों की संख्या है 10। सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? सफेद गेंदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है 5। तो कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी 15। कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। अच्छा, दोनों गेंद काली है, तो यहाँ पे रखेंगे काली, पहला गेंद काली होने की प्रायिकता, ऐसे लिख लेते हैं, पहला गेंद काली रंग की है, काले रंग की है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो काले रंग की गेंद आपकी 10 है और टोटल 15 है, कट जाएगा 2/3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा गेंद काले रंग की है, दूसरी गेंद काले रंग की है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो काले रंग का गेंद 9 को बच जाएगा, एक निकल चुका है, और टोटल गेंद 14, तो इसलिए दोनों गेंदे काली है, इसकी क्या प्रायिकता है? 2/3 × 9/14 कट जाएगा, ये 3 × 9 दूसरे इसको काट देंगे 7/7, तो 3/7 यहाँ से प्रायिकता आ गई। समझ गए? क्वेश्चन नंबर